ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पिछले क्लास में हमने स्पाइसेस थोड़ा थोड़ा देखा था, तो सबको क्लासिफिकेशन तो याद है ना, कि एक बार फिर से रिविजन करा देते हैं। ठीक है, हम पढ़े थे सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में। हमने एक जगह सुपर क्लास स्पाइसेस में डिवाइड किया था और दूसरी जगह टेट्राकोडा में डिवाइड किया था। तो अभी स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर स्पाइसेस की बात करें तो इसमें क्या आती हैं, मछलियाँ आती हैं। तो अगर इनकी बात करते हैं तो इसमें 10 पैर के क्रेनियल नर्व्स होते हैं। और इसमें मैंने बोला था कि बाद में एक चीज़ मैं बताऊंगी, आगे जब रेप्टिलिया और एम्फीबिया पढ़ेंगे उसमें क्रेनियल नर्व्स के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे हम। अभी बस इतना याद रखो कि स्पाइसेस में 10 पैर में होते हैं क्रेनियल नर्व्स। फिर मैंने बताया था हाँ बोलो, किसे कुछ बोलना है क्या? देखो, अब क्रेनियल नर्व 10 पैर के होते हैं। ठीक है, उसमें उसके नीचे दो पॉइंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसे क्रॉस करवा दिया था। मैंने बोला था अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ईयर ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे में अगर तुम बात करो तो एक्सटर्नल ईयर रहेगा, मिडिल ईयर रहेगा, इंटरनल ईयर, मतलब ईयर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्कल मोनोकॉन्डाइलिक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। वैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। अगर टाइम बचे, अगर तुम्हें रिटेंशन की कैपेसिटी है तो तुम पढ़ सकते हो। फिर दो पॉइंट जो लास्ट वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसका एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेजनस हो सकता है या फिर बोनी हो सकता है। या तो कार्टिलेजनस होगा या तो बोनी होगा। कार्टिलेजनस यानी कि कार्टिलेज से बना हुआ। और उसके लिए मैंने बताया था कि स्पाइसेस को फर्दर दो तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे मैंने बोला था PCO, दैट इज प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिस एंड ऑस्ट्रिक्टिस। तो ये चीज़ पी हमें नहीं पढ़ना था, CO जो है वो हमें पढ़ना है, क्योंकि वो NCERT में दे रखा है। तो जिनमें कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है उसे हम बोलते हैं कार्टिलेजनस फिशेस, और उसे हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम होता है कॉन्ट्रैक्टिस। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टिस, बचा हुआ दूसरा ओ यानी ऑस्ट्रिक्टिस यानी कि बोन। फिर लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी, अब इसके आगे हमें बढ़ना था। अब देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है। जो सुपर क्लास स्पाइसेस होती हैं ये कैसी होती हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर यूनिसेक्सुअल। अब देखो सेक्सुअलिटी के बारे में तुम्हें एक टेबल बना के याद करना होगा, यानी सेक्सुअलिटी यानी कि इनफैक्ट रिप्रोडक्शन के बारे में भी, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में है, इंटरनल किस में है, लार्वा किस में बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है, वो तुम्हें एक टेबल बनाना है। उसमें कंपैरेटिव स्टडी करना है इनवर्टिब्रेट्स का और वर्टिब्रेट्स का, और फिर तुम्हें याद करना है वो चीज़ों को। देखो फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी कि पानी में भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, पानी में भी हो सकता है या फीमेल के बॉडी के अंदर हो सकता है, दैट इज़ इंटरनल, और अगर पानी में होगा तो एक्सटर्नल। डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क है, दैट इज़ डायरेक्ट। यहाँ पे कोई लार्वा नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए मैं ये लिख देती हूँ, नो लार्वल फॉर्म प्रेजेंट, इसीलिए डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, अब फिशेज शो सीजनल माइग्रेशन ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स। इसके पहले मैंने बताया था कि एक एनेंड्रोमस माइग्रेशन करके एक चीज़ होती है, ऊपर मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो फिशेज टेरोमाइजोन में मैंने बताया था कि सी से वो माइग्रेट करती हैं टूवर्ड्स फ्रेश वाटर एग लेइंग के लिए। और इस तरीके के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, उसे हम कहते हैं एनांड्रोमस माइग्रेशन। और उसका ऑपोजिट, अगर माइग्रेशन ऑफ फिशेज होता है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द सी वाटर फॉर एग लेइंग पर्पसेस, तो उसे हम कहते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन, और उसका उल्टा होता है एनांड्रोमस माइग्रेशन। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम लोग अपार्ट फ्रॉम नीट किसी और चीज़ की तैयारी करोगे तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे KVPY और ये सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये नीट पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्रॉस भी लगा देती हूँ ताकि तुम पढ़ो, तो सर के भी भाई अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए पढ़ो। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने बताया कि सुपर क्लास स्पाइसेस को हमने तीन डिविजन्स में बांट रखा है, और वो तीन डिविजन्स क्या क्या हैं तो मैंने बोला था PCO। अब तुम प्लेकोडर्मी के बारे में पढ़ना था नहीं पढ़ना था, NCERT में नहीं दिया हुआ, तो यही लिखा हुआ है कि थ्री क्लासेस दैट इज़ प्लेकोडर्मी, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि नहीं पढ़ना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि NCERT में दे रखा है। इनका दूसरा नाम क्या है, इलास्मोब्रांकाई एंड टेलियोस्टोमाई, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम्हें याद करना है तो कर लो, लेकिन ये दो नाम तो तुम्हें याद करने ही है। अब इसके बाद आ जाओ कुछ पॉइंट्स अगर प्लेकोडर्मी के बारे में तुम्हें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। NCERT में मेंशन नहीं है लेकिन स्टिल देखो, प्लेकोडर्मी में पढ़ने वाले जितने भी फिशेस होते हैं उन्हें इन दिस क्लास एक्सटेंट ट्रू फिशेस आर इंक्लूडेड, यानी कि इसमें जितने भी फिशेस होते हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। उनके बॉडी के ऊपर बोनी प्लेट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, बोनी प्लेट्स ऑन दर बॉडी। तुम आजकल की मछलियों को देखोगे तो उसमें बोनी प्लेट्स नहीं, स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन बोनी प्लेट्स नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन यहाँ पर बोनी प्लेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसीलिए बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होने की वजह से तुमने पुराने ज़मानों में देखा होगा या कोई मूवीज़ में देखा होगा जोधा अकबर में, कि जब वो लड़ने जाते हैं तो कुछ प्लेट्स टाइप के पहनते हैं अपने चेस्ट रीजन पे ताकि उन्हें तलवार ना लगे, तो उसी टाइप से हमने इन्हें कंपेयर करते हुए इन्हें लिखा है, क्योंकि इनमें बोनी प्लेट्स प्रेजेंट है, उन्हें हम उस तरीके को चीज़ें उस तरह के चीज़ों को हम कहते हैं आर्मर्स, तो इसीलिए इधर लिखा हुआ है इनके बारे में कि इन्हें हम कहते हैं आर्मर्ड फिशेस, क्योंकि इनमें बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसके एग्जांपल है CLIMATIUS, क्लाइमेटियस, ठीक है। बस प्लेकोडर्मी के बारे में इतना ही पढ़ना था, अगर बाद में तुम्हें पढ़ना है इसके बारे में क्लास 12 के चैप्टर में, दैट इज एवोल्यूशन में, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ हल्के फुल्के पॉइंट्स उसके बारे में आएंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से सारी NCERT की चीज़ें शुरू हो चुकी हैं इस टेबल से, ठीक है। तो यहाँ से NCERT खोल के अगर तुमने देखा होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्टस के बारे में दिया रखा है, ऑस्ट्रिक्टस के बारे में दिया रखा है, ठीक है। तो अगर तुम इसे कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, तो इस वजह से कंपैरेटिव वे में पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू रटते जाना, ठीक है। तो कंपैरेटिव वे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम कॉन्ट्रैक्टस के बारे में बात करें तो वो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं, और ऑस्ट्रेक्टस के बारे में बात करें तो बोनी फिशेस होती है, यानी कि एंडोस्केलेटन बोन से मिलकर बना हुआ होता है। अब जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे है तो वो जानो, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे लिव, ठीक है, यानी कि हैबिटेट। तो कॉन्ट्रैक्टस मराइन होती हैं या मरीन होती हैं जो बोलो, यानी कि ये सॉल्टी वाटर में रहती हैं, और ऑस्ट्रिक्सिस यानी कि बोनी फिशेस जो होती हैं ये दोनों में रह सकती हैं, यानी कि मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। तो पहला डिफरेंस सही है। दूसरा, ये कार्टिलेजनस इन नेचर होती हैं, यानी कि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस होता है, और दूसरे वाले का कैसा होता है, बोनी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा, ये तुम्हारे सारे पॉइंट्स NCERT में मेंशन्ड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि NCERT के बाहर जा रहा है। अब स्केल का टाइप कैसा है, तो देखो तुम्हारे NCERT में लिखा होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्टस यानी कार्टिलेजनस फिशेस की बात करें तो उनमें जो स्केल्स होता है वो प्लेकोइड स्केल्स होता है, और ऑस्ट्रिक्टस यानी कि बोनी फिशेस की बात करें तो उनमें जो स्केल्स होता है वो साइक्लॉइड या टेनॉइड होता है, ठीक है। साइक्लॉइड स्टार्ट्स विद सी, टेनॉइड ऑल्सो स्टार्ट्स विद सी, यानी कि दोनों सी हैं लेकिन ये पाए जाते हैं ओ वाले क्लास में, ठीक है। और ये है, ये पी सी प्लेकोइड एंड कॉन्ट्रैक्टस, ऐसे याद कर सकते हो PC, या तो पर्सनल कंप्यूटर याद रखो, या अगर तुम बॉलीवुड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो
अगर तुम बॉलीवुड में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो पीसी से प्रियंका चोपड़ा याद रख सकते हो, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, माउथ फिशेज में जो होता है, कुछ फिशेज में माउथ जो होता है टर्मिनल होता है और कुछ फिशेज में ये वेंट्रल होता है। तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि कॉन्ड्रेक्टिस यानी कि क्या कार्टिलेजनस फिशेज इनमें माउथ होता है वेंट्रल और ऑस्फिक्सिस में होता है टर्मिनल। इसके अलावा ये भी पॉइंट एनसीईआरटी का है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा जो पॉइंट है एनसीईआरटी का नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि माउथ वेंट्रल तो होता ही है, ये देखो इस तरीके से इसका माउथ देखो यहाँ पे टर्मिनल है, एकदम एंड पे है, यहाँ से और यहाँ इसके बीच में एकदम टर्मिनल पे है। लेकिन इसका देखो इसके माउथ तक पहुँचने के लिए तुम्हें थोड़ा नीचे आना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो जाएगा वेंट्रल। और ये डायग्राम है एक किसका है ये तुम मुझे बताओगे, अगर मैं ही सब बता दूंगी तो फिर तुम कैसे बताओगे। ये एनसीईआरटी में तुम देख के आओगे और बताओगे किसका डायग्राम है ये। टीथ आर मॉडिफाइड इनटू प्लेकोइड स्केल्स, मैंने अभी बताया ऊपर वाले स्लाइड में कि पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर या प्रियंका चोपड़ा प्लेकोइड स्केल्स इन कार्टिलेजनस फिशेस। तो देखो यहाँ पे इनमें जो टीथ प्रेजेंट हो रहे हैं, देखो टीथ हैं, ये मॉडिफिकेशन है प्लेकोइड स्केल्स के, यानी ये जो प्लेकोइड स्केल्स है यहाँ टीथ के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। और कैसे प्रेजेंट है, तो ये अगर माउथ है ठीक है तो बैकवर्डली डायरेक्टेड है, इस तरीके से बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ है, ठीक है। बैकवर्डली डायरेक्टेड क्यों है, ताकि अगर इनके माउथ में कोई भी प्रेडेटर आए तो वो पकड़ पकड़ में तो आ ही जाए, और सोचो अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसे कितना ज़्यादा उसका लॉस होगा, है ना। तो इस वजह से उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो इसलिए टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड है एंड दे आर प्रेडेशियस हैविंग पावरफुल जॉज, इस वजह से ये क्या होते हैं प्रेडेशियस और इनके पावरफुल जॉज होते हैं। जो क्लास ऑस्ट्रिक्सिस है वो जनरली प्रेडेशियस नहीं होते, ठीक है। अब नीचे आओ, देखो क्या लिखा हुआ है कॉन्ड्रेक्टिस में, ये स्लाइड क्लियर नहीं है यार, 5 to 7 पेयर्स क्या, ये स्लाइड अभी रहने दो मैं बताऊंगी क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या 5 to 7 पेयर वो दिख नहीं रहा, इसमें आ जाओ। ये पॉइंट है एयर ब्लैडर के बारे में, ठीक है। देखो एयर ब्लैडर एक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, दैट इज एयर ब्लैडर। और ये पाया जाता है इन केस ऑफ ऑस्ट्रिक्सिस यानी कि बोनी फिशेस में, बोनी फिशेस में पाया जाता है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर पाया जाता है तो इस वजह से वो बॉयंसी मेंटेन करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉयंसी। इस वजह से तुम देखोगे कि अगर तुमने कभी भी अपने घर में एक्वेरियम रखा हो तो तुम जब मछलियों को लाते हो उसमें रखने के लिए, तो तुमने कभी गौर किया है कि वो कभी कभी ऐसे एक जगह पे रुक भी जाती हैं, कभी कभी ऐसे जिंदा कंडीशन में बोल रही हूँ, मैं मरे हुए कंडीशन में नहीं, जब वो जिंदा रहती हैं तो कहीं कहीं पे वो पॉज कर देती है अपने वो स्विमिंग को। क्यों पॉज कर पाती हैं, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो बॉयंसी मेंटेन कर पाती हैं, वो सिंक नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर तुम कॉन्ट्रेक्टर्स की बात करो यानी कि कार्टिलेजनस फिशेस की बात करो तो उसमें एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा तो अगर वो रुकी तो वो सिंक कर जाएंगी, इस वजह से उन्हें लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर तुम शार्क की बात करो, शार्क कॉन्ट्रेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं, उन्हें लगातार स्विम करना, जब भी तुमने उन्हें मूवीज़ में कहीं पे भी देखा होगा, मूवीज़ में ही देखे होंगे, रियल लाइफ में तो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए तुम्हारा उनके साथ, तो वो तुम उन्हें हर समय मूवमेंट में देखोगे, वो कभी भी रुकती नहीं है, अगर रुकी तो दे विल सिंक, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल तुम याद कर सकते हो कि इंटेस्टाइन है स्पाइरल और स्क्रॉल वैल्व दैट इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया। एक स्पाइरल या स्क्रॉल वैल्व होता है इंटेस्टाइन में जो कि सर्फेस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, इसे फिशेस में मत डाल देना। ह्यूमंस में इंटेस्टाइन में तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम बोलते हैं विलाई, पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो जान लो कि ये तुम्हें पढ़ना था। वैसे
इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को। तो उसी तरीके से यहाँ पर विलाई की जगह स्पाइरल या स्क्रॉल वैल्व प्रेजेंट होता है, जो कि इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। तो यहाँ पर वो चीज़ एबसेंट है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो इनकेस अगेन केवीपीवाई वाले एस्पिरेंट्स इसे ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये पॉइंट है क्लोएका के बारे में। क्लोएका के बारे में मैंने बता रखा है, फिर से बताती हूँ। क्लोएका जो होता है ये एक कॉमन चेंबर होता है, ठीक है। क्लोएका इज अ कॉमन चेंबर। यहाँ पर तीन चीज़ों का ओपनिंग होता है। एक होता है डीएस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है आरएस यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तीनों चीज़ें आकर खुलती हैं एक चेंबर में, जिस चेंबर का नाम है क्लोएका। जिस चेंबर का नाम क्या है? क्लोएका है। अगर माइक तुम्हारा म्यूट है तो म्यूट में ही रख के, लेकिन एटलीस्ट रिपीट करो, ताकि तुम जब वापस रिविजन करने बैठो तो क्या हो कि तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। मैं यही बोल रही हूँ कि माइक अनम्यूट करो, कर लो, अपने में रिपीट करो, ठीक है। तो क्लोएका इज अ कॉमन चेंबर जहाँ पे तीन चीज़ें आके खुल रही हैं, डीएस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक आरएस यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक ईएस दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आके खुल रही हैं इन द क्लोएका, और फिर क्लोएका आउटसाइड में खुलता है थ्रू अ पोर। आउटसाइड यानी ये एक्सक्रीशन के लिए यूज़ हो सकता है, या फिर अपने स्पर्म या डिफरेंट गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू द आउटसाइड, यानी आउटसाइड दी बॉडी खुल रहा है। तो क्लोएका के बारे में समझ में फिर से आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले बता रखी है। अब क्लोएका जो है कॉन्ट्रैक्टस में प्रेजेंट होता है और ऑस्ट्रैक्टस में एबसेंट, ठीक है। अब आ जाओ एक्सक्रीटरी वेस्ट पे। मुझसे पिछले क्लास में किसी ने पूछा था कि TMAO किस में होगा, यूरिया किस में होगा, अमोनिया किस में होगा। तो अब देखो, मैंने बोला था कि ये नीचे आएगा। ये देखो, एक्सक्रीटरी वेस्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्टस यानी कार्टिलेजिनस फिशेज यानी कि शार्क यानी कि समुद्री मछलियों में यूरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लास ऑस्ट्रिक्थिस यानी कि बोनी फिशेज यानी कि जिसमें एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, उनमें अमोनिया प्रेजेंट होगा, जो कि फ्रेश वाटर में रहती है। मैंने ऊपर बताया था कि ऑस्ट्रिक्थिस का दो हैबिटेट हो सकता है, या तो वो कुछ उनकी मेंबर सॉल्टी वाटर में रहती है यानी कि मराइन होती हैं, और कुछ फ्रेश वाटर में रहती हैं। तो जो फ्रेश वाटर में रहेंगी उनमें होगा अमोनिया, और जो मराइन वाटर में रहेंगी उनमें होगा TMAO। TMAO का फुल फॉर्म ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। तीन चार बार बोलोगे ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड तो याद हो जाएगा। ये TMAO नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, उस समय नीट ही था। अब देखो, क्लास कॉन्ट्रैक्टस एंड क्लास ऑस्ट्रैक्टस। अब इसके बाद ये एबसेंट और प्रेजेंट क्या लिखा हुआ है, तो इट इज़ अबाउट एक रिसेप्टर होता है, जैसे हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ स्प्रेंजिनी, ठीक है। तो क्लास कॉन्ट्रैक्टस में लिखा हुआ है इट इज़ प्रेजेंट, और ऑस्ट्रैक्टस में लिखा हुआ है एबसेंट। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर नीट पर्पस। अब यहाँ पर ये नोटोकॉर्ड के बारे में पॉइंट है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन केस ऑफ कार्टिलेजनस फिशेज, एंड इन केस ऑफ बोनी फिशेज इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टीब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टीब्रल कॉलम। इसमें सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा एक होमवर्क है, ये तुम अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं। होमवर्क ये है कि आज जो भी कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर कराया गया है, तुम क्या करोगे, एक या तो A4 शीट पे उसे लिख कर उस पन्ने पे जाके स्टेपल करोगे NCERT के, जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर या एंड ऑस्ट्रैक्टस दिया हुआ है, या तो फिर वहीं पर अगर एक जगह बनाकर लिख सको तो वो भी बेटर है। जो तुम्हारा मर्जी वो करो, ठीक है, लेकिन ये कर लेना। क्योंकि अगर तुम इस स्लाइड के भरोसे बैठोगे तो तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें एक साल और अभी पढ़ाई करनी है, क्लास 12 भी कंप्लीट करना, फिर तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, तब तक ये चीज़ें शायद मिसप्लेस हो जाएं, ठीक है। इसीलिए अब ये हो गया, पाइसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब हमें जो पढ़ना है
दैट इज एम्फीबिया। ठीक है, तो आ जाओ क्लास एम्फीबिया पे। इसके पहले जैसे रिवाज है पूछने का, कोई डाउट्स है तो पूछ लो। डाइजेस्ट क्लोएका। हाँ आवाज आ रहा है? देखो जब भी उसे रिप्रोड्यूस करना है तो उसे अपने गैमेट्स ट्रांसफर करना है फीमेल इंडिविजुअल में, ठीक है, तो वो तब खुलेगा। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक एन अपर्चर। मान लो उसे अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालना है अपने बॉडी के, तो तब वो खुलेगा। इट इज़ जस्ट लाइक एनस, ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक एनस, ठीक है, जो सब में सब ह्यूमंस में पाया जाता है। जस्ट द थिंग इज एनस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ साथ गैमेट्स भी निकलते हैं। ठीक है, ओके, हेलो हेलो, ओके, अब हम ओके, अब जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में मैंने ऊपर मेंशन किया था क्लासिफिकेशन में, एक बार फिर से वो क्लासिफिकेशन रिवाइज करते हैं। ठीक है, जाने दो मुझे ऊपर, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। एक लंग फिशेस तुम्हारी बच गई है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। और तो लंग फिशेस तुम्हारा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है समझने में। कहाँ गया वो वाला स्लाइड? ये रहा, ये देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया था इनटू ए गनेथा यानी कि जॉलेस और ए गनेथोस्टोम्स में जिसमें जॉल्स प्रेजेंट थे। अब इस डिवीजन गनेथोस्टोम यानी कि जिसमें जॉल्स प्रेजेंट थे उसे हमने डिवाइड किया दो सुपर क्लास में, एक पाइसेस जिसमें हमने पढ़ा पीसीओ और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा जो अब हम नीचे पढ़ेंगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है, आज हमें कंप्लीट करना है, एटलीस्ट एप्स को स्टार्ट कर देना है क्योंकि अब एनिमल किंगडम बस दो क्लास का मेहमान है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। देखो इसके पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी थी, दैट इज़ लंग फिशेस, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन एवोल्यूशन अगेन तुम जब क्लास 12 में जाओगे तो पढ़ोगे। तो एक छोटी सी पॉइंट वाइज मैं मेंशन कर देती हूँ लंग फिशेस के बारे में। अब देखो मछलियाँ क्या थी, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। लेकिन कुछ मछलियों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि चलो मैं पानी से बाहर आके थोड़ा लैंड में भी जाने की कोशिश करती हूँ, लैंड पे अडेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो वो उन मछलियों का हमने नाम दिया लंग फिशेस, ठीक है, उन मछलियों का नाम दिया लंग फिशेस और दूसरा नाम है उनका डिप्नोई, ठीक है। अब देखो जब ये लैंड पे चली गई, थोड़ा थोड़ा लैंड पे रहती थी, मैक्सिमली पानी में ही रहती थी, लेकिन एटलीस्ट लैंड पे गई तो सही। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि दे वर जस्ट लाइक इसके बाद क्या है, एम्फीबियंस, दे वर जस्ट लाइक एम्फीबियंस, है ना, एंसेस्टर टू द एम्फीबियन क्लास, ठीक है। तो वही मैं इधर समझाने चाह रही थी कि जितने भी डिप्नोई फिशेस थी वो क्या की उन्होंने कि वो अपने लैंड हैबिटेट से उठकर पानी वाले हैबिटेट से उठकर लैंड पे चली गई। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर एंसेस्टर्स टू एम्फीबियंस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंसेस्टर टू एम्फीबियंस, ओके। अब स्टार्ट करते हैं एम्फीबियंस।
लंग फिशेस के बारे में तुम्हें बस इतना ही पढ़ना है। देखो हर साल मतलब पिछले साल की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम से नीट में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4। तो वो 4 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें एनसीईआरटी की चीज़ें अच्छे से याद है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एनिमल किंगडम के क्वेश्चन बनाने से, ठीक है। तो एटलीस्ट अभी मैंने जो मैंने क्लासेस अभी पढ़ाई हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑस्ट्रिक्स, उसमें मैंने क्या छोड़ा, दैट इज़ एग्जाम्पल्स मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने क्यों छोड़े हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स तुम्हें कहाँ से याद करने हैं, फ्रॉम एनसीईआरटी। उसमें एक हिप्पोकैम्पस एक ऑर्गेनिज्म है जैसे हम सी हॉर्स कहते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे कि उसे प्रेग्नेंट मेल क्यों कहते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे। वो क्योंकि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूँगी कि जितने भी पॉइंट्स जो मैं छोड़ते चली जा रही हूँ एग्जाम्पल्स के अलावा, वो या तो आज पढ़ाऊँगी या तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ाऊँगी, मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो आज का तुम्हारा होमवर्क क्या रहा, एक तो तुम कंपैरेटिव स्टडी को एक और चार्ट में बना के अब वहाँ पे स्टिक कर लोगे, स्टेपल कर लोगे, और दूसरा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी अभी के लिए। अगर उसके आगे बढ़ना हुआ तो मैंने बोल रखा है कि मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लूँगी इसके ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ तुम एम्फीबिया पे। देखो एम्फीबिया जैसे कि मैंने बताया कि लंग फिशेज ने अपने हैबिटेट से छोड़कर अब बाहर जाने की कोशिश की, है ना, बाहर जाने की कोशिश की, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो सब उन्हें हम क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस, क्यों, क्योंकि एम्फीबिया भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो आधा तो पानी में रहते थे और आधा लैंड पे रहते थे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उन लंग फिशेज से हुई। और जो एम्फीबियंस जो है, अब बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस ने अपने मोड ऑफ लाइफ दैट वॉज ओरिजिनली वाटर, उसे छोड़कर लैंड पे रहना शुरू किया, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड पे रहना शुरू किया। लेकिन देवर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, देवर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि वो पूरे इंतज़ाम के साथ लैंड पर नहीं आए। इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है कि कोई भी काम अगर बिना इंतज़ाम के किया जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, है ना। तो उसी तरीके से एम्फीबियन ने रातों रात सोचा कि चलो कल लैंड पे चलते हैं, और वो लैंड पे आ गए, लेकिन लैंड पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब क्यों नहीं हो पाए, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लो कि एम्फीबिया दो शब्द से मिलकर बना है, एक है एम्फी और एक है बायोस। एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। डुअल का मतलब कि वो कहाँ पर रह सकते हैं, वो रह सकते हैं ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, ठीक है, इसीलिए डुअल, और लाइफ तो लाइफ ही है। अब देखो लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, दे आर नॉट फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मरीन में नहीं पाए जाते, सॉल्टी वाटर में नहीं पाए जाते। दे वर द फर्स्ट कॉर्डेड एनिमल विच केम आउट ऑफ वाटर। तो ऑल्दो लंग फिशेज तो थे ही, लेकिन वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। टू सम एक्सटेंट एम्फीबियंस ज़्यादा सक्सेसफुल थे लैंड पे आने के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स विच केम आउट ऑफ वाटर वेयर क्लास एम्फीबिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में लंग फिशेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो तुम एम्फीबियंस को ही फर्स्ट कॉर्डेट मानोगे, ठीक है। अब आ जाओ, दे आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली। वही मैंने बोला कि बिना प्रिपरेशन के बाहर आए थे, इसीलिए लैंड ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि दे आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं, दे वर नॉट सक्सेसफुल ऑन लैंड, दे वर सक्सेसफुल ऑन लैंड, ठीक है। एंड दे डिपेंड, क्यों, इसके बाद का पॉइंट वही है, ये सक्सेसफुल नहीं थे लैंड पे क्योंकि इनके जो एग्स थे ना, एग्स में कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं थी, ठीक है। तो एग्स में कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं थी, यानी कि इनके एग्स जो थे उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया गया, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग ना हो, उसे हम बोलते हैं नॉन क्लेडोइक, ठीक है, नॉन क्लेडोइक एग्स थे।
तो सोचो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं थी, और अगर ये अंडे देते थे कहाँ पर, लैंड पर, तो वो एवापोरेट हो जाते थे, ठीक है। तो अंदर का जो एम्ब्रियो था उसे फूड नहीं मिल पाता था और वो डाई हो जाता, वो मर जाता था, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है दे वर डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इसीलिए जब इन्हें रिप्रोड्यूस करना होता था तो ये वापस पानी में चले जाते थे और वहीं अंडे देते थे ताकि वो सूखे नहीं, ठीक है। देयर एग्स डिडंट हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज नॉन क्लेडोइड, इसीलिए पूरे ताम झाम के साथ नहीं आए थे, इसीलिए हमने बोला कि दे वर नॉट सक्सेसफुल ऑन लैंड। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब नेक्स्ट है कि एवापोरेट का मतलब, देखो इनका जो एग्स था उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं थी, ठीक है। तो कैल्शियम, जैसे तुम मुर्गियों के अंडे अगर तुमने देखे होंगे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, तो जब हम अंडे को फोड़ते हैं तो उसमें से योक निकलता है और उसमें जो भी चीज़ें होती है वो रहती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके अंडों पे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं थी तो अंदर एम्ब्रियो था, एग के अंदर तो एम्ब्रियो होता है ना, तो उसके न्यूट्रिशन के लिए अगल बगल जो भी मटेरियल था वो एवापोरेट हो जाता था, तो ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलता था तो ये मर जाता था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये पानी में जाने लगे अंडे देने के लिए ताकि वो एवापोरेट ना हो, समझी। ओके अब देखो इनकी जो बॉडी है इट इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ओके हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल है। देखो मैंने पाइसेस में बताया था कि उनकी बॉडी भी डिविजिबल थी हेड और ट्रंक में, और वहाँ नेक नहीं था, तो यहाँ पर भी नेक नहीं है। नेक सबसे पहले कहाँ बना, तो रेप्टाइल्स में बना, ठीक है। ओके टेल इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस में ही टेल प्रेजेंट होती है। तो अब ये देखो ये जो भी डायग्राम है ये फ्रॉग का डायग्राम है, ठीक है। अब तुम्हारे एनसीईआरटी का जो नीट का जो सिलेबस है उसमें फ्रॉग भी है, इसीलिए फ्रॉग के बारे में डिटेल में एम्फीबियंस में दे रखा है, ठीक है। या तो तुम यहाँ पढ़ो या तो फिर तुम्हें फ्रॉग में पढ़ाया जाएगा, तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पढ़ ही लो, है ना। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पैनम हमारे में एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे ईयर में भी, तो इनमें ईयर जो है वो टिम्पैनम से रिप्रेजेंट होता है, बस इतना याद कर लो अभी, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि आई विथ आईलेट्स, यानी कि हमारे में से आईलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी आईलेट्स प्रेजेंट है। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें फोर लिम्स होता है और हाइंड लिम्स होता है, उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो देखो फोर लिम्स में अगर तुम्हें दिख रहे हो तो चार डिजिट हैं, देखो 1 2 3 4 डिजिट हैं, और पीछे में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फोर लिम्स में चार हैं और हाइंड लिम्स में 5 डिजिट हैं, ठीक है। तो फोर लिम्स में 4 डिजिट हैं और हाइंड लिम्स में कितने हैं, 5। ओके ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे बताएंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉइस्ट इनका जो स्किन होता है, स्किन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन पे जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है, ठीक है। उसमें स्केल्स नहीं पाए जाते, जैसे कि अगर तुमने क्रोकोडाइल को देखा होगा तो उसमें स्केल्स पाए जाते हैं। मेंढक के बॉडी जो होती है चिकनी होती है, अगर तुम उसे उठाने की कोशिश करोगे तो स्लिप होकर निकल जाएगा, है ना, क्यों उसमें स्केल्स नहीं होते। मॉइस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं, और म्यूकस सेक्रीट करते हैं तो क्या होगा कि इनका स्किन होगा मॉइस्ट। अब मॉइस्ट होने का एक और रीज़न ये है कि ये स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन भी करते हैं, यानी कि क्यूटेनियस, मैंने बताया था क्यूटेनियस वर्ड यूज़ होता है अगर स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन हो, ठीक है, उसके लिए। तो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन इज प्रेजेंट है, इस वजह से इनका स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इनमें प्रेजेंट होता है क्लोएका। तो क्लोएका के बारे में फिर से वही बात है कि इट इज़ अ कॉमन चैम्बर फॉर ओपनिंग ऑफ डीएस यानी कि डिजेस्टिव सिस्टम, ईएस यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, आरएस यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये जितने भी येलो से मार्क पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब नीचे आओ, अब देखो अभी मैंने क्या बताया कि इनके इनके जो स्किन होते हैं वो मॉइस्ट होते हैं, बताया। लेकिन एक और पॉइंट है
कि बहुत सारे ऐसे भी मेंढक होते हैं जिसे हम कहते हैं बूफो, ठीक है, ऐसे भी मेंढक नहीं बोल सकते, एम्फीबियंस बोलना चाहिए, ये मेंढक की तरह ही दिखते हैं, इनका नाम है बूफो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इनमें न्यूमरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर मॉइस्टनिंग द स्किन, न्यूमरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर मॉइस्टनिंग द स्किन, दोज आर द म्यूकस ग्लैंड्स, वो तो हर एम्फीबियन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और चीज़ प्रेजेंट होता है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन बूफो एंड दैट इज पॉइजनस ग्लैंड्स, ठीक है, पॉइजनस ग्लैंड्स इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, किसके ऊपर, बूफो के ऊपर। इसीलिए अगर तुम इसे छूने जाओगे तो क्या होगा, पॉइजन तुम्हारे बॉडी में भी एंटर कर सकता है, इसीलिए मेंढक को मत छूना क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो डायग्राम है अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम है, तुम्हें कहाँ मिलेगा तुम्हें मैं बता देती हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में जो फ्रॉग है, फ्रॉग का चैप्टर है, उसमें ये तुम्हें डायग्राम मिल जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पर क्लोएका अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो ये थोड़ा क्लियर तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो पूरा पार्ट है, ये इस तरीके से स्टमक, ये पूरा स्टमक है, ये इस तरीके से लूप्स बने हुए हैं इंटेस्टाइन के, और ये यहाँ पर आके खुल रहा है, ठीक है। तो ये है एक कॉमन चेम्बर जिसे मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ये क्लोएका है, ठीक है, ये पूरा रेड कलर का जो मार्क्ड है, ये पूरा का पूरा क्लोएका है। तो अब देखो इसमें क्या क्या खुल रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक खुल रहा है क्या, खुल ही रहा है, देखो स्टमक इंटेस्टाइन में एंड करता है और इंटेस्टाइन क्लोका में एंड कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ ना डीएस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये येलो कलर के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर खुल रहे हैं, ठीक है, ये येलो कलर के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दीज आर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये एनसीईआरटी में जाके ये डायग्राम आज ही देख लेना, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्लोएका। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर खुल रहा है, यानी कि कौन सा सिस्टम खुल रहा है, ईएस यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये देखो ऊपर से ये जो तुम्हें दिख रहा है आता हुआ, दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ के ऐसे डक्ट्स यहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ पर आके खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लोएका में तीन चीज़ आके खुल गई। अब यहाँ देखो क्लोएकल एपर्चर है, इट इज़ जस्ट लाइक एनस, देखो ना ये एनस की तरह है, ठीक है, तो जब इसे ओपन करने का मन करेगा ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ इसके पॉइंट्स के बारे में, वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ऑब्वियसली बात है जो डाइजेस्टिव ट्रैक था वो बहुत पहले ही कम्प्लीट हो चुका है, तो इट इज़ कम्प्लीट, ठीक है, विथ सलाइवरी, यहाँ पे तुम एक पॉइंट चाहो तो याद कर सकते हो, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ फ्रॉग्स, ठीक है, चाहो तो याद करना, नहीं चाहो तो मत याद करना, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। येलो कलर से मार्क पॉइंट, जो मैं किसी और कलर से इसे मार्क कर देती हूँ, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब आ जाओ, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनाइटल ड्रग ओपन इनटू द क्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोएका में खुल रहा है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और जेनाइटल ड्रग, जो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। टीथ का टाइप चाहो तो याद करो, चाहो तो नहीं याद करो, क्योंकि ये तुम्हारे ह्यूमन फिजियो में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो देखो टीथ जो होते हैं इसमें फ्लूरोडोंट हो सकते हैं, होमोडोंट हो सकते हैं, या पॉलीफायोडोंट हो सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैंने बोला टीथ का पॉइंट स्किप करो, बस याद रखो कि टीथ प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ फ्रॉग, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर तुम लिख लेना कि तुम इसे कब पढ़ोगे, इन केस ऑफ डिजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन फिजियो, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखो इनमें जो रेस्पायरेशन होती है, इट इज बाय गिल्स इन लार्वा, ये देखो ये रेस्पायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टार्स लगे हुए हैं। यहाँ पर रेस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स से होता है इन लार्वा, ठीक है, स्किन से हो सकता है, लंग से हो सकता है, बकोफेरेंजियल कैविटी से भी हो सकता है, लेकिन 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 तुम्हें क्या याद रखना है कि लार्वा में होता किससे है, गिल्स से, ठीक है। तो एडल्ट्स में किससे होगा, या तो स्किन से हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है, और बकोफेरेंजियल कैविटी से भी हो सकता है, ठीक है। अब इतने सारे चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं यहाँ पर,
क्योंकि इनका डुअल मोड है ना, जब ये पानी में रहेंगे तो हो सकता है किसी गिल से रेस्पायर करें, जैसे लार्वा में हो रहा है। अगर ये लैंड पे रहेंगे तो ये लंग्स, स्किन और बकोफेरेंजियल कैविटी से रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इनकी जो हार्ट होती है वो दो चेंबर की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेस्पायरेशन का। अब हार्ट जो होती है इनकी दो चेंबर की होती है। फिशेज में हमने पढ़ा था कि हार्ट जो, सॉरी, हार्ट तीन चेंबर की होती है, मैंने गलती से दो चेंबर बोला। फिशेज में हार्ट जो होती है वो दो चेंबर की होती है। अब यहाँ पर हार्ट तीन चेंबर की हो चुकी है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये ओरिजिनल हार्ट का डायग्राम नहीं है, ठीक है। हार्ट कैसा है, थ्री चेंबर का है, फिर से येलो से मार्क कर देते हैं। इसमें दो एट्रिया प्रेजेंट है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। आरबीसी कैसा होता है, बाइकन्वेक्स, ओवल और न्यूक्लिएटेड। अगेन नीट का क्वेश्चन था कि न्यूक्लिएटेड आरबीसीज किस में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन था, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज किस में प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हारे अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। स्टिल अगर तुम अभी नहीं याद करना चाहो ये आरबीसी वाला पॉइंट, तो तुम इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि आगे आएगा। जो याद करना चाहें उनके लिए, आरबीसीज होती है बाइकन्वेक्स। बाइकन्वेक्स का शेप कुछ इस तरीके से होता है, ये कन्वेक्स मिरर होता है, बाइकन्वेक्स, बाइकनकेव, इस तरीके से। तो इनका बाइकन्वेक्स होता है, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होता है, ये नहीं है, ये वाला इस शेप का होता है, ठीक है। फिर ट्रंकस आर्टेरियोसिस वेल डेवलप्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट। रेनल पोटल सिस्टम, हेपाटिक पोटल सिस्टम आर प्रेजेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट ह्यूमन पीजीओ में आ जाएगा, इसीलिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये रेनल पोटल सिस्टम क्या है, क्या नहीं है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, स्कल जो होता है इट इज़ डाइकोंडाइलिक इन नेचर, ठीक है। डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या होता है, डाइकोंडाइलिक का मतलब होता है कि इसमें दो डिफरेंट, दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे का डायग्राम देखो, वहाँ पे तुम्हें ऑल्दो उतने अच्छे से तो नहीं दिखे, लेकिन दो ऑसियोपेटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। जैसे कि अभी हमने फिशेज में पढ़ा था कि फिशेज कैसे होते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं, होते हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें एक कॉन्डाइल प्रेजेंट था, इनमें ये, इनमें दो कॉन्डाइल प्रेजेंट है, इस वजह से क्या है, ये डाइकोंडाइलिक। हम भी यानी ह्यूमंस भी, हमारे में भी दो कॉन्डाइल प्रेजेंट है नेक रीजन पे, ठीक है, नेक रीजन पे। इसीलिए हम एक टू सम एक्सटेंट, हम बस अगर तुम अपने गर्दन को मुड़ाना चाहो तो बस कुछ लिमिट तक घुमा सकते हो, पूरी तरीके से नहीं घुमा सकते, क्योंकि दो हिंज लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट इज लाइक दिस एंड लाइक दिस, डाइकोंडाइलिक, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, मुझे कोई डाउट हो तो रोक के पूछ लेना। अब यहाँ पर आएंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रेनियल नर्व्स आर 10 इन पेयर। तो 10 हमने कहाँ पढ़ा था, अभी फिशेज में भी पढ़ा था, पाइसेल है ना, किसमें और पढ़ा, एम्फीबियंस। तो याद रखो, चाहे वो फिशेज हों चाहे वो एम्फीबियंस हों, उनमें कितने पेयर के क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है, 10 पेयर्स, ठीक है। तो यही मैं बोल रही थी कि आगे मैं बताऊंगी कि क्या पॉइंट है क्या नहीं है। तो फिर से रिपीट, अपने में रिपीट करो कि फिशेज हो या एम्फीबियंस हो, 10 पेयर के रहेंगे इनमें क्या, क्रेनियल नर्व्स। और अगर हम बात करें आर ए एम की, यानी कि राम की, राम क्या है, रेप्टाइल, एप्स और मैमेलिया, इनमें प्रेजेंट होते हैं 12 पेयर्स, ठीक है, 12 पेयर्स के क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो एक निमोनिक हो गया, चाहे तुम याद रखो कि फिशेज और एम्फीबियंस में 10 पेयर होते हैं, चाहे तुम याद रखो कि रेप्टाइल्स, एप और मैमल्स में 12 पेयर होते हैं, कोई एक चीज़ याद रखो, दूसरा चीज़ खुद याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे भी कितने पेयर्स के होते हैं क्रेनियल नर्व्स, बताओ। हेलो, हमारा, हाँ हाँ, क्रेनियल नर्व कितने पैर के होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, मुझे तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, 12 पेयर्स के होते हैं क्योंकि हम मैमिलिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसीलिए 12 पेयर्स के होते हैं, ठीक है। अब देखो, लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज।
हमने ये कहाँ पढ़ा था फिशेस में कि लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम इज प्रेजेंट जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकता है ना। तो यहाँ पर देखो ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में, यानी कि वो स्टेज में जो कि कम्प्लीटली पानी में रह रहा है उसमें ये लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखो अब आ गया एक्सक्रीशन के ऊपर, ठीक है। अब एक्सक्रीशन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। अब कौन सी किडनी है ये तुम्हें नहीं याद रखनी, जो येलो से मार्क पॉइंट्स है वो याद रखना है, जैसे क्रेनियल नर्व्स हो गए, लार्वल स्टेज में लेटरल लाइन ऑफ सर्कुलेटरी सॉरी सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है ये याद रखनी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें किडनी होता है और ये होते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है। ये कैसे होते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक का मतलब होता है कि दे एक्सक्रीट यूरिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इफ एंड बट भी आ गया, बट क्या है कि टेल्ड एम्फीबियंस, मैंने बताया ऊपर डायग्राम में फ्रॉग के डायग्राम में लिखा हुआ है, जब पढ़ोगे घर पे ये स्लाइड को, कि कुछ एम्फीबियंस जो होते हैं टेललेस भी होते हैं कुछ टेल्ड होते हैं। तो जितने भी टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं और लार्वा होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि उसमें अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक। तो क्या हुआ अगर नीट में क्वेश्चन आ गया कि एम्फीबियंस आर डैश यूरियोटेलिक या अमोनोटेलिक, तो तुम क्या लिखोगे? तो जानो कि जब ऐसा क्वेश्चन आया तो जनरली दे आर यूरियोटेलिक, ठीक है। जब तक नहीं पूछे कि टेल्ड एम्फीबियंस एंड लार्वा, तब तक तुम नहीं लिखोगे अमोनोटेलिक। अगर स्पेसिफिकली पूछे कि इन केस ऑफ एम्फीबिया टेल्ड एम्फीबियंस एंड लार्वा आर डैश, तभी तुम बोलोगे अमोनोटेलिक, नहीं तो तुम क्या बोलोगे यूरियोटेलिक, ओके। अब दे आर पोएकेलोथर्मिक, यानी कि कोल्ड ब्लडेड इन नेचर, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड ये शो करते हैं क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे हम जाड़ों में भी, यानी कि इन केस ऑफ कोल्ड क्लाइमेट हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं मेंटेन नहीं कर पाते, तो या तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कि हाइबरनेशन होती है सर्दियों के दिनों में और एस्टिवेशन होती है गर्मी के दिन में, ठीक है। तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इज फाउंड एंड सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। ये सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं येलो से मार्क कर दे रही हूँ। अब नीचे वाले स्लाइड पे देखो, फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें एक्सटर्नल होता है, यानी कि पानी में होता है। तो अब वही बात कि ये लैंड पर तो आए थे लेकिन ये पूरे तामझाम के साथ नहीं आए थे, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि एग लेइंग के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें कहाँ वापस जाना पड़ता था, वाटर में, क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है एक्सटर्नल, तो कहाँ होगा वाटर में, और इस वजह से एग लेइंग भी कहाँ होंगी वाटर में, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं देवर नॉट सक्सेसफुल ऑन लैंड। अब देखो सम एनिमल्स शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है लेकिन जनरली मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। दे आर ओवीपेरस बिकॉज दे ले एग्स इन वाटर, ठीक है। एग लेइंग का मतलब ओवीपेरस होता है। अब दूसरे साइड पर आते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास रेप्टिलिया के स्टडी को हम बोलते हैं हर्पेंटोलॉजी, इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं इसे मार्क भी नहीं करूँगी। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार लैंड पाए थे तो पहले कॉर्डेट भी थे और फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल हम लोग बोल सकते हैं इसको। ये क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, अब देखो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर जो भी बच्चे हैं वो क्रॉल करते हैं ग्राउंड पे, लेकिन तो क्रीपिंग वो क्रॉलिंग मूवमेंट हो गया, लेकिन क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, क्रीपिंग एक साउंडलेस मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है? साउंडलेस, जैसे कि अगर तुम्हारे बगल में भी सांप आ भी जाएगा तुम्हें सुनाई भी नहीं देगा और वो तुम्हारे तरफ आ जाएगा, तुम सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक ऐसा मूवमेंट है जो कि साउंडलेस है, उसे हम कहते हैं क्रीपिंग। तो सांप जैसे चलते हैं उसे क्रीपिंग या फिर क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन बोलते हैं, और इसी क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड की वजह से इनका नाम क्या है, रेप्टिलिया पड़ा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके स्किन की बात कर लेते हैं, इनका स्किन होता है ड्राई। एम्फीबियंस में क्या था, स्किन था मॉइस्ट क्योंकि उसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जो कि म्यूकस सेक्रीट कर रहे थे और वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करा रहे थे, तो स्किन कैसा था, मॉइस्ट था। इनमें था ड्राई, कॉर्निफाइड एंड रफ
नॉन ग्लैंडुलर, वहां पे ग्लैंड प्रेजेंट थे। कौन से ग्लैंड? म्यूकस ग्लैंड और बूफो में पॉइसनस ग्लैंड प्रेजेंट है, इसमें कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है। और जब ये चीज़ पढ़ोगे तो याद करो कछुए को, कछुए का जो बॉडी होता है वो कितना ज़्यादा रफ होता है, ठीक है, ड्राई होता है। उसी तरीके से क्रोकोडाइल की अगर तुम पढ़ोगे तो याद करोगे तो उसकी स्किन कितनी ज़्यादा कॉर्निफाइड होती है, यानी कि उसमें इस तरीके के स्ट्रेशंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, और ड्राई होता है, रफ होता है, सारी बातें। तो देयर बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। ये पूरा का पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा लाइन एनसीईआरटी से कॉपीड है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, दैट इज हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स और बोनी स्क्यूट्स और बोनी प्लेट्स फॉर्म एक्सोस्केलेटन। तो इसमें एक्सोस्केलेटन कौन बना रहा है? एपिडर्मल स्केल्स, या फिर उसी को हम कहते हैं एपिडर्मल स्केल्स का एक दूसरा नाम है स्क्यूट्स, दैट इज हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देख लो, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स इसमें देखने को मिलेंगे। चाहे अगर तुम बोनी प्लेट्स की बात करो तो तुम्हें टॉटोइस में देखने को मिल जाएगा वो। तो वो चीज़ क्या बना रहा है? क्योंकि इसके बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, इसीलिए वो एक्सोस्केलेटन बना रहा है। मछलियों में क्या था? कार्टिलेजनस फिशेस थी और बोनी फिशेस थी। तो वो कार्टिलेज या बोनी स्ट्रक्चर जो है वो उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए वो एंडोस्केलेटन था, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, देखो स्नेक्स और लिजर्ड्स को अगर तुमने देखा होगा तो कभी कभी उनके जो बॉडी हैं वो कास्ट के फॉर्म में वो रिमूव करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन में वो अपने कास्ट के फॉर्म में अपने बॉडी को रिमूव करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी डेड सेल्स होते हैं हमारे फिंगर के या पैर के, वो जनरली तुम देखोगे कि इन केस ऑफ विंटर वो पील ऑफ करके निकलते हैं, है ना। उसमें हमें कोई दर्द नहीं होता है क्योंकि वो डेड स्किन होता है। तो इसी तरीके से स्नेक और लिजर्ड्स का जो स्केल्स होता है वो जब डाई आउट हो जाता है वो स्किन कास्ट के फॉर्म में उसे रिमूव कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन एनसीईआरटी का लाइन है इसीलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है लिम्स, इनमें दो पैर का होता है, ठीक है, यानी कि चार। किसे याद करोगे तुम ये सोचते समय? लिजर्ड्स को याद कर लो, लिजर्ड्स तुम्हारी दीवार पे अभी कहीं ना कहीं होंगी, उसे देखो, ठीक है, आज वो काम आ रही है तुम्हारे। लिजर्ड्स दो इस तरीके से होते हैं, इसमें दो दो पैर में है ना, लिम्ब जो है दो पैर में। इन दीज एनिमल्स ईच लिम्ब, यानी कि देखो आगे के दो लिम्ब है फोर लिम्ब, पीछे के दो लिम्ब है हाइंड लिम्ब। इन दीज ईच लिम्ब फाइव डिजिट्स आर प्रेजेंट, यानी कि आगे भी पांच, पीछे भी पांच। मेंढकों में क्या था? मेंढक किस में आते हैं? एम्फीबियंस में। उनमें फोर लिम्ब में चार था और हाइंड लिम्ब्स में पांच थे, इसीलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर नेल्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन इनमें इनकर्व नेल यानी कि इस तरीके से अंदर की तरफ डायरेक्टेड नेल्स होंगे, ठीक है। इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है विच ओपन्स इनटू क्लोएका, ये सारी बातें पता है। टीथ अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में आएगा, इसलिए सिर्फ इस पॉइंट को स्किप करते हैं। दूसरी स्लाइड में आ जाओ, देखो इस पूरे स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ एक दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? इनमें रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ लंग्स से होता है। एम्फीबियंस में क्या था? लार्वा में था गिल्स, एडल्ट में था स्किन यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स या बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ लंग्स है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? लंग्स, ठीक है, इसमें लार्वा नहीं बनते। याद रखना कि रेप्टाइल्स में लार्वा नहीं बनते, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या है? लंग्स। हार्ट इज थ्री चैम्बर, जैसा एम्फीबियंस में था हार्ट थ्री चैम्बर, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, बट फोर चैम्बर्ड इन केस ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल में चार चैम्बर हार्ट बन गया, सारे के सारे रेप्टाइल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल में। अब इसके आगे का जितना भी पॉइंट है जो येलो कलर से मार्क नहीं है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आरबीसी आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी येलो में मार्क है वो इम्पॉर्टेंट है। ये बोथ राइट एंड लेफ्ट सिस्टम में कार्सेज, ये सब क्या है? ट्रंकस आर्टेरियोसस, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें अभी तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें वैसे भी रिटेन करने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। उसके बाद देखो एक्सक्रीशन पे, बस तुम्हें याद रखना है कि किडनीज हेल्प इन एक्सक्रीशन, मेटानेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है, ये तुम्हें नहीं याद रखना।
दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि इनमें ये यूरिकोटेलिक होते हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन। यूरिकोटेलिक का मतलब होता है ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यूरियोटेलिक का मतलब होता है जो मैंने ऊपर लिखा है यूरिया, एंड यूरिकोटेलिक का मतलब होता है यूरिक एसिड। जो सबसे ज़्यादा, अब ये क्वेश्चन है, जो आंसर करेगा वो सही से पढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेता है टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट, वो कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, मतलब वो यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है कि अमोनोटेलिक है। जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर जिसमें यूज होता है फॉर एक्सक्रीशन पर्पस, वो कौन सा मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक की यूरियोटेलिक। हाँ, तुम सही हो। तो अमोनोटेलिक में सबसे ज़्यादा था। अब याद रखना यूरिकोटेलिक में सबसे लेस, यानी कि सबसे लेस को तो हम लीस्ट लिख देते हैं, लीस्ट वाटर इसमें रिक्वायर्ड होता है फॉर एक्सक्रीशन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इधर आ जाओ। सारे पॉइंट्स तो वैसे देखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हर फाइलम में ऐड होता है, हर क्लास में ऐड होता है, वो बस तुम्हें याद रखना है। जैसे इसमें भी स्कल मोनोकोंड्राइलिक है, ठीक है। ये रिब्स के बारे में, रिब्स आर प्रेजेंट, नहीं याद रखना है, बस अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो कि स्कल इसमें मोनोकोंड्राइलिक होता है। फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे मेंढकों में क्या था कि टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट करता था, तो दे डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इसमें भी टिम्पैनम ओनली रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल ईयर, यानी कि एम्फीबिया में भी टिम्पैनम और रेप्टीलिया में भी टिम्पैनम। फिर मैंने बताया था कि RAM में 12 पेयर्स के होते हैं क्या क्रेनियल नर्व्स, तो देखो उसमें से R यहाँ पर आ चुका है, देखो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। अब ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि जैकोब्सन ऑर्गन के बारे में, तो देखो ये एक स्नेक है, इसके बकल कैविटी के रूफ पर, यानी रूफ ऑफ बकल कैविटी, ये माउथ है, तो इसके रूफ पर यहाँ पर देखो एक इस तरीके से इनकर्व्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं जैकोब्सन ऑर्गन, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड होता है, इट हेल्प्स इन स्मेल, यानी ऑल्फैक्शन, स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है, ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। तो तुम्हें क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ जैकोब्सन ऑर्गन, स्मेल कहाँ प्रेजेंट होता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये मैं इधर अगर याद करना चाहो तो याद करूँ, वैसे ये कहाँ प्रेजेंट होता है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर जैकोब्सन ग्लैंड इज़ फॉर ऑल्फैक्टरी पर्पस, यानी कि ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल। अब यहाँ पे बस दो स्लाइड बचा है, एक साथ नहीं स्टार्ट करेंगे हम। देखो जेनाइटल अपर्चर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनस, ऐसा क्यों, क्योंकि याद करो क्लोएका एक कॉमन चेंबर था जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके ओपन हो रहा था, तो इस वजह से जेनाइटल यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और एनस यानी एक्सक्रीशन से रिलेटेड, क्या दोनों का ओपनिंग सेपरेट है, नहीं, क्योंकि दोनों कहाँ पे खुल रहा है, क्लोएका में खुल रहा है, और क्लोएका फिर एक कॉमन अपर्चर के थ्रू बाहर खुल जाएगा, इसीलिए जेनाइटल अपर्चर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनस। फिर देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि यूरेटर, जेनाइटल डक्ट, एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू द क्लोएका, सेक्सेस आर सेपरेट दैट इज दे आर यूनिसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वन और द टू पेनिस दैट इज हेमी पेनिस इज फाउंड इन मेल एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि दे आर ओविपेरस यानी कि एग लेइंग, और एग्स कैसे होते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्स होते हैं लेदरी एंड क्लिडोइक, लेदरी एंड क्लिडोइक का मतलब होता है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है, इस वजह से ये लैंड पर एग ले करते हैं। और इसे तुम कैसे याद रखोगे, तुम्हारी दीवार पे जो छिपकली है वो अंडे ले करती है पानी में जाकर, नहीं तुम्हारे घर के किसी कोने में, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, रेप्टाइल है, और उसके एग्स जो होते हैं वो लेदरी होते हैं, क्लिडोइक होते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का शेल उसमें प्रेजेंट होता है। अब ये पॉइंट है कि दिस क्लास इज ग्रुप्ड अंडर एमनियोटा, यहाँ पर लिख लेना कि ये तुम पढ़ोगे क्लास 10 में, क्लास 10 बोल रहे हो, क्लास 12 में, कि एमनियोटा क्या होता है, मैं बताती हूँ।
ये एक एम्ब्रियोनिक लेयर है, ठीक है। एमनियोटा वो ग्रुप है जिसमें कि तीन एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है। पहला, जैसा कि नाम है, एमनियोन, दूसरा है कोरियोन और तीसरा है एलेंटॉइस, ठीक है। तो ये तीन एमनियोनिक जो ये तीन एम्ब्रियोनिक लेयर जिसमें प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एमनियोटा। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट हुई रेप्टाइल में, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दिस ग्रुप इज अंडर एमनियोटा। और एम्फीबियंस में ये नहीं पाए जाते थे, ना ही फिशेज में, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एन एमनियोट। अब समझो कि जो तीन एमनियोनिक लेयर है, दैट इज एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है तो वो उसे लैंड पे दे सकते हैं और वो एवापोरेट भी नहीं होगा क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, बिल्कुल सही बात है। एन एमनियोट्स क्या करते हैं कि उनमें पहली बात तो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल नहीं है, ऊपर से ये तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी प्रेजेंट नहीं है, तो अगर ये अंडे को लैंड पे देते तो आराम से एवापोरेशन हो सकता था, इसीलिए वो पानी में जाकर देते हैं। और फिशेज और एम्फीबियंस में एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस के एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं होने की वजह से हम उसे क्या कहते हैं, एन एमनियोट्स कहते हैं। तुम्हें ये चीज़ याद नहीं रखनी कि कौन से लेयर्स हैं, तुम बस ये याद रखोगे कि दे आर नोन एज एन एमनियोट्स। एन एमनियोट किसे कहते हैं, रेप्टाइल्स को, ठीक है। एन एमनियोट्स किसे कहते हैं, फिशेज और एम्फीबियंस को। फिर वही, दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्मस। देयर बॉडी टेम्परेचर वैरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, लार्वल स्टेज इज एब्सेंट एंड पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट। का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम्हारे जितने पेरेंट्स हैं तुम्हारा केयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो रेप्टाइल्स में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने यंग वंस का केयर करते हैं, ठीक है। तो ये था आज के क्लास के बारे में, जो कि रेप्टाइल्स के बारे में था और एम्फीबियंस के बारे में था और टू सम एक्सटेंट पाइसेस के बारे में था, ठीक है। तो अगर कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो। कोई भी कहीं से डाउट तो पूछ लो।